अपने भाई सब खैरियत से ठीक हैं। आज हमारा मंझार के सामने प्रोग्राम था, रात हो रही है, हम लोग तकरीबन 3 बजे यहाँ पहुँच गए थे और बहुत ही मज़ा आया। और आसिफ भाई, कैसा रहा प्रोग्राम आपका? माशाल्लाह बहुत बढ़िया रहा प्रोग्राम। असद भाई, प्रोग्राम अच्छा था, मज़ा आया, पूरे दिन गुजारा और आज रात हो गई और इस वक्त हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। जबरदस्त। और ये हमारे बब्बू भाई, इनकी लॉन्च में हम आए हैं, सुनहरा पर आए, इनका नंबर मैं शेयर करूंगा आपसे, आप इनके साथ लाजमी आइएगा। और हमारे इजाज़ भाई, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मछली बहुत पकड़ी आपने माशाल्लाह से। बस पिकनिक के लिए आए थे, बस पिकनिक हमारी बहुत अच्छी और मछली हम लोगों ने टिकट पकड़ी है, तो आप ट्राई करेंगे और खाएंगे। क्या बस ये वसूली होती है। और ये हमारे साथ भाई, इनके हाथ पे थोड़ा कांटा लग गया। काम तो माशाल्लाह ज़बरदस्त था, मछली भी हमने पकड़ ली और अभी टाइम भी बाकी है और घर भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हो गया चाय के लिए, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गया, मज़ा आया भरपूर, शिकार का मूड की तरह से शिकार हो गया। हाँ बिल्कुल, आज 8 तारीख है, 5वें महीने की, और उसके बाद भी हमें चादर और हल्की सी सर्दी सी लगनी शुरू हो गई, तो आप अंदाज़ा कर लें आज का मौसम कैसा था। और प्रोग्राम बेहतरीन था, हमारा टारगेट था हम वहाँ जाएँ, अपना शुगल करें, मौज मस्ती करें और साथ में मछली भी फ्राई करें, और खाना भी हम लोगों ने खुद ही यहाँ पर पकाया है बाकायदा, क्योंकि टाइम बहुत होता है, 24 घंटे का टाइम था। हम सुबह इंशाल्लाह निकलेंगे यहाँ से, और कढ़ाई बनाई थी, कढ़ाई की वीडियो ज़रूर आपको शेयर करूँगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। और जो हमें यहाँ अल्लाह पाक ने मछली दी, बेहतरीन मछली थी, हीरा, गिस्सर, खग्गा, कपड़दान, सारी मछलियाँ थी, और अभी हम लोगों ने उसे बना दिया है आपके लिए। ये थोड़ी सी मछली रखी है मैंने दिखाने के लिए, ये है जनाब गिस्सर, हीरा जो अभी बनेगा, खग्गा भी अच्छे साइज़ का है और माशाल्लाह गिस्सर भी अच्छे साइज़ का है और ज़िंदा ही है अभी तक बन गया है गिस्सर। हाँ, ये दोगला हीरा और सफ़ेद खग्गा है, बिल्कुल वाइट शीशे की तरह। ये आ गई जनाब हमारी वो छोटी मछलियाँ जिसमें सोल लगे हैं हमें, ये कपड़दान लगे हैं, और ये कुई मछली है, कहलाती है लोग, इसको डबरोटी भी कहते हैं, आज इसको भी ट्राई करेंगे मसाला लगा के। और फ्राई मछली का आइटम है, ये हमारा मसाला है, छुरी और ये मामलात हैं सारे अभी बनना है। तो भाई लोग, फ्राई के वक्त आपसे मुलाकात करते हैं, और आज नाइट स्टे का प्रोग्राम बेहद मज़ेदार रहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मछली भी हमें मिली और अभी टाइम बहुत है, इंशाल्लाह घर के लिए भी मछली लेके जाएंगे। जी भाई लोग, यहाँ पर जो है ये हीरा लगा है हमें, माशाल्लाह अच्छे साइज़ का हीरा है, और इसको जो है बनाना है। उसके बाद जनाबे अली, गिसर की बारी है, गिसर बनेगा, उसके बाद एक खग्गा है वो बनेगा इंशाल्लाह। मछली जो है फ्राई करने का इंतज़ाम किया है हम लोगों ने, और बेहद जल्दी जल्दी से, सबको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, और मंझार के सामने हम खड़े हुए, असल में जब मंझार के सामने खड़े हुए होते हैं ना हम, और कोई भी खड़ा हुआ होता है, और जब वो रात को मछली फ्राई कर रहा होता है, तो आसपास की जितनी लांचें खड़ी होती हैं उनकी खुशबू जाकर जो है ना उनके पेटों में ना चूहे दौड़ना शुरू हो जाते हैं कि भाई माशाल्लाह से किसी लांच वाले ने मछली फ्राई करी है। तो यही हमारी अचीवमेंट है कि हम लोगों ने लांच के ऊपर मछली फ्राई करी और अपने प्रोग्राम को इन्जॉय किया, और अल्लाह पाक ने इतना मौका दिया कि हमें मछली भी बहुत अच्छी लगी। आज के मौसम के हिसाब से वैसे तो जनवरी जून जुलाई में जो है वो कुक्कड़ का जो है वो शिकार होता है। मंझार के ऊपर हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, फ्राई करते हैं, और ये हीरा हमारा बन के कम्प्लीट हुआ है, और आज ये हम लोग लंच पे मछली फ्राई करके अपने प्रोग्राम को बेस्ट बनाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ये हमारा ऑयल गरम हो गया है, और ये हमारे हीरे और गिस्सर, और ये हमारी कुई, बस ये अब एक एक करके इसके अंदर जाएगी मछली।
और इसकी जो खुशबू है बच्चिया लोगों को तड़पा देगी, इस कदर हसीन खुशबू आ रही है। पूरी जब तक होती है उसके बाद आपको ये वाली मछली की भी दिखाते हैं। ये जनाब आ गया कपड़दान, और ये आ गया सोल, दो दो सोल है, और ये आ गया हीरा, ये आ गया कग्गा, और ये एक कपड़दान और आ गया। अभी माशाल्लाह ये सर बचा है और कग्गा बचा है, ये कग्गा और डाल देते हैं ये जगह। तो इंशाल्लाह आपको प्लेट में निकाल के दिखाते हैं पकी हुई मछली, ज़बरदस्त। वाह मालिक वाह, वाह मालिक। ये हमारी फ्राई मछली मंजार पे, और मज़ा आ गया यार माशाल्लाह। काय कद्दू कुछ नहीं पता पड़ी जनाब, ये चाय चल रही है इस वक्त, और अपने हाथ की तो चाय बनाने का मज़ा ही अलग है। माशाल्लाह से पूरा भरपूर इंतज़ाम था, चैनक इनकी बहुत ही शानदार है, और ये चाय फाइनल हो गई है। यार अपना साथ पी कर आपको बताते हैं। जनाब मंजार पर लीडू भी चल रहा है आसिफ भाई, हाँ शिकार भी चल रहा है, और ये हमारे जाद भाई शिकार खेल रहे हैं आसिफ भाई। हमारी बारी आ गई है, लो ये लीजिए जनाब पिकनिक के मजे, कढ़ाई की तैयारी है, और अभी जो है ये रही हमारी चिकन। ये लीजिए जवान चिकन हमने डाल दी है, अब इसको हम हाफ डन करेंगे। हाफ डन करने के बाद ये टमाटर जाएंगे इसमें, और फिर टमाटर चिकन इसमें से निकाल लेंगे, फिर टमाटर पकेंगे। टमाटर जैसे ही मेल्ट हो जाएंगे उसके बाद इसमें दोबारा से हम चिकन डाल देंगे। ये लीजिए जनाब चिकन हमारी हाफ डन हो गई है, अब ये चिकन हम अलग कर लेंगे। भाईजान इसका जो है चिकन हमने सारी निकाल ली है,
हाफ डन इसको इसलिए किया है कि जैसे ही टमाटर की प्यूरी तैयार होगी तो हमारी चिकन ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। और ये आ गए जनाब अली, सारे के सारे हमारे टमाटर, टमाटर जो है अल्लाह आपका भला करे, ये आ गए। अब हम थोड़ी सी इसकी आंच तेज करेंगे और इसको ढक देंगे ताकि टमाटर हो जाए। इस वक्त रात हो रही है और सब हमारे भाई लोग जो है बस मज़े कर रहे हैं बैठ के। और इजाज़ भाई, ये हमारा असाद है, आसिफ भाई, और ये असाद है। और ये समझ लें कि अभी 2 बज रहे हैं। चिकन हम लोगों ने मछली फ्राई करी थी, इस वजह से देर हो गई थी, तो फिर 2 बजे हम लोगों ने खाना ये कढ़ाई तैयार करी है। देखते हैं इंशाल्लाह इसको रेडी करके आपको दिखाते हैं। ये जनाब आपको रात का मंजर दिखाएं, ये सामने सुनहरा के सामने बिल्कुल ये बत्ती लगी हुई है। ये दूसरा साइड कहलाता है, इसका रोड अलग से अपना, हम जब भी शिकार पे जाते हैं तो ये सीधे हाथ की तरफ पड़ता है ये। और माशाल्लाह बिल्कुल रोशनियों का शहर है इस वक्त रात को भी, माशाल्लाह रौनक मेला लगा हुआ है। कराची शहर की बात ही ऐसी है, कराची का शहर रोशनियों का शहर कहलाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह रोशनियों का शहर आज तक है। बिल्कुल बेहतरीन व्यू है, हमारे पीछे मंजार के पहाड़ हैं जो इस वक्त नहीं दिखेंगे क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा है। ये लीजिए भाई, हमारे जो है टमाटर जो है हाफ डन हो गए, और अब हम इसके अंदर अपनी चिकन डाल देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे और पकाने के बाद इसमें मसाला ऐड कर देंगे। ये लीजिए जनाब अली, अब इसके अंदर हम अपने मसाले डाल देंगे। और कोशिश किया करें कि ये जितने भी खाली रैपर कचरा और ये जो कुछ है एक डस्टबिन में रखें और थैली में रखकर इसको किनारे पे फेंकें। समंदर की आलूदगी हम लोगों की जिम्मेदारी है ना होना, और वो हमारे हाथ में ही है। हम जो है समंदर में हर चीज़ खाकर दूध के डब्बे, थैलियाँ, हर चीज़ फेंक देते हैं, इससे समंदर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, आबी हयात को बहुत नुकसान होता है। और जनाब अली, अब ये थोड़ी सी और बनेगी, शक्ल देखें आप, और अब थोड़ी देर के बाद चलन देखेगा ये ज़रा, फिर आप। जी जनाब, ये हमारा कढ़ाई मामला सेट हो गया है रात का, और दिन में भी हम लोगों ने जो है वो कढ़ाई ही बनाई थी क्योंकि कढ़ाई ज़रा शॉर्ट टाइम में बन जाती है, इसलिए इसका जायका टेस्ट बहुत ही शानदार होता है। और बिल्कुल अपने हाथ से बनाकर और उसी वक्त लंच पे खाना, और मछली भी आज हो गई माशाल्लाह, तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। ये जनाब हमारे रात के खाने के नान हैं जो हमने दोपहर में खा लिए थे, और रात वाले जो है हमने आइस बॉक्स में रखे हुए थे। बेहतरीन नान है, आप लोग भी कभी आएँ तो सबसे ज़्यादा परेशानी रोटी की होती है कि रोटी जो है वो चपटी नहीं है और परेशान करती है, पूरा दिन बाहर रहती है साइड में थैली में लटकी हुई, तो उससे लाख जगह बेहतर ये नान होते हैं। आप 2 जगह नान बनवाएं, एक नान को आप रखें अंदर चॉपर में और दूसरे जो पैकेट होगा नान का उसको आप दोपहर में इस्तेमाल करें, रात में जो है ये वाले नान इस तरह से गर्म करके इस्तेमाल करें, और ये बेहतरीन और शानदार किस्म के नान आपके तैयार हो जाते हैं इस तरह। ये सारे गर्म करके रखे हैं और अब खाने के लिए बैठेंगे। अब बिल्कुल जनाब ये आ गए।
वापसी का सफ़र शुरू है, सुबह हो गई है और आज का बेहतरीन बेस्ट प्रोग्राम था, बहुत ही शानदार और आप लोगों को यकीनन वीडियो पसंद आएगी। थोड़ी सी कोशिश होती है हमारी और आप लोगों से शेयरिंग करने की कि शिकारी मामलात या पिकनिक के मामलात किस तरह से भी लोग करते हैं और मछली जो है वो बोनस है हमारे लिए और फिशिंग का प्रोग्राम हमारे लिए जस्ट एक शौक है। शौक पूरा होता है और बोनस में जब मछली आ जाती है तो मज़ा दुबला हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब वीडियो पसंद आई होगी, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।